अलग अलग समय पे विरोध करने वाले संजय निषाद के पास अब हम आपको लेके चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो राजभर को लेके क्या कहते हैं, क्योंकि संजय निषाद की कई सारी सीटें जो है वो ओम प्रकाश राजभर प्रभावित करते हैं। ऐसे में संजय निषाद कतई ये नहीं चाहते थे कि उनका यानी भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि ऐसे में निषाद पार्टी को नुकसान सहना पड़ सकता है। चलिए हमारे साथ संजय निषाद जुड़ गए हैं। नमस्कार संजय जी, आपने ओपी राजभर को का विरोध किया था, अब क्या कहना है? राजनीतिक दल को चर्चा प्रकाश चर्चा ये तीन शब्द है और मैं राजभर भैया का स्वागत करता हूँ अगर आते हैं, क्योंकि राजभर भाई पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं और राजभर को कितना सम्मान था, कैसे उनके साथ था और इनको कितना सम्मान था, तब कैबिनेट में थे और इनके साथ भैया के साथ और भी थे, मौर्य भी थे, फिर चौहान जी भी थे, सोनी जी थे, ये सारे लोग कैबिनेट में थे। भैया जाने के बाद कई लोगों का प्रश्न थे, चौहान और सोहान कट गए। आज के दिन में भैया आते हैं तो स्वागत है, आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बल मिलेगा। हम आरक्षण की लड़ाई जिस उद्देश्य के लिए भैया राजनीति में आए थे कि राजभर को हम अनुसूचित जात का प्रमाण दिलाएंगे, करमाली पासी की प्रयावासी जात भर राजभर है, ऐसे में संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आप एक तरफ तो अनुप्रिया पटेल के साथ मन साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जनता की तरफ जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता जो है जज होती है। अब सब लोग जान गए कि जनता क्या चाह रही है और जनता जो चाह रही है वही एनडीए कर रही है। और जनता चाह रही थी हमें स्वास्थ्य मिले, गरीब चाह रहा था हमें इलाज मिले, गरीब चाह रहा था हमें अनाज मिले, गरीब चाह रहा था हमारा मकान बने, गरीब चाह रहा था माफिया खत्म हो जाए, हमें न्याय और सुरक्षा मिले। आपके बड़े भैया राजभर महान दल भी आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है। मिलते हैं तब भी मैं उनको कहता रहता हूँ भैया आइए और हम दोनों आदमी मिलेंगे, तो हम देखिए आए हम नीच बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मछुआ के बीमा है और आज के दिन में इनके लिए कल्याण कोष के लिए 26,000 करोड़ का। अच्छा निषाद जी ये बताइए मुझे कि आपके बीच में और ओम प्रकाश राजभर के बीच में कौन है जो अफवाह फैला रहा है, कौन है जो ये बातें लगातार आगे बढ़ा रहा है कि आपके बीच में और ओम प्रकाश राजभर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? कुछ तो है जो राजभर भैया ले गए थे और बेचारे अपने इधर के हैं उधर के हैं, वही लोग होंगे और कौन होंगे। मैं इतना कहूंगा कि भैया जी की आरक्षण की लड़ाई मैंने निर्णायक दौर में प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक पहुंचा दिया, मैंने योगी जी से लिखवा दिया, आरजीआई से 70 साल में पहली बार एक्सेप्ट किया आरजीआई ने कि केवल मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का इंतजार, पहली बार है कि सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मझवार हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उसके मेंबर के उसके कमेटी के सभी मेंबर को इनका हिस्सा मिला था। तो आज के दिन में इस चीज को हमने निर्णायक दौर पर लगाया, तो भैया आएंगे तो इस संघर्ष को और जारी रखें और जल्दी आरक्षण होता भी हमारा भी हो जाएगा। लेकिन ये रेवर जो फैलाने वाले हैं, जैसे निषाद पार्टी बढ़ रही है और मछुआरों का कद बढ़ा, इज्जत पड़ी है, अब पहले क्योता मल्लावा कहते थे अब निषाद जी कहते हैं, आज के दिन में निषाद राज के किले का आप देख लीजिए पर्यटक स्थल घोषित होना, निषाद राज के उस बहुत भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगना, वो आज के जंगल से मंगल होना, उत्तर प्रदेश में तमाम नीतियां बनना, तो ये सब जो बढ़ते कद को देख कर कुछ विरोधी है जिसको पेट में दर्द होता रहता है और कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। आपके राजभर भैया कई सीटें मांग रहे हैं, उसका कैसे गुड़ा भाग, कैसे सब ठीक होगा? कह रहे हमें मऊ भी दे दो, बलिया भी दे दो, तो निषाद पार्टी कहाँ जाएगी? निषाद पार्टी हमारी 18% आबादी है और हमने देखा हमने तो सीट के लिए आए, देखो भारतीय जनता 2019 में तो 18% है, उनकी तो 2.44% ही है, उस हिसाब से हमको लगता है तुमने कुछ जरूर आएंगे तो सम्मान चाहिए, हम उनको भैया से इतना कहेंगे कि आए यहाँ सम्मान पाए, सीट भी होगा जीत भी होगी और सीट का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है वो सम्मान देती है। 2019 में आपने देखा भाई से बुलाई थी, 15 सीटें हमें दिया और इसमें से हमने 11 जीत कर दिखाई। मंत्रिमंडल के विस्तार में हम देखेंगे कि आपके राजभर भैया जी मंत्री बन गए हैं, गले लगाकर चलेंगे एक दूसरे के साथ? कहते रहे कि पहले भी हमने कहा कि भैया की स्थिरता थोड़ी बढ़ रही है, अब एक जगह एक तरफ आवाज कर रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई भी करते रहते हैं, तो हमको लगता है कि भैया तरफ से आ रहे हैं।
विकास राजभर जी बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती जी हमारी नेता हैं, ये तो आप भूल रहे हैं संजय जी। सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि भरोसा बना, गलती काम करने वाले से गलती भी होती है, भैया काम करते हैं राजभर भाई तो कोई गलत में चल भी जाता है। तो अब तक आपने ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके से चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ जाएं। अभी आपने ये भी देखा कि कैसे संजय निषाद, जो कि अभी तक सुभाषपा का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना बड़ा भाई बना लिया। अब चलिए चलते हैं सीधे ओम प्रकाश